चलिए शुरू करते हैं। सो हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज श्री एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैरम वर्ल्ड गेमिंग। तो कैसे हो सभी भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम गाइज मैं एक कोई लंबा सा लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ, वरना शॉर्ट्स ज़्यादातर डालता था और 4-5 मिनट्स का वीडियो डाल रहा था अभी कुछ दिनों से। तो इस वीडियो में क्या होने वाला है मैं आप लोग को पहले ही बता देता हूँ, ठीक है? तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो। और इस वीडियो में हम एक्शन सीजन का जो कैरम पास है प्रीमियम पास, उसका फुल अनलॉकिंग करेंगे, ठीक है? एंड गाइज आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आज डेट है July 9, 2022 और सैटरडे। तो कल July 10 संडे को ईद है, तो कल तो शायद मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगा। सो आज ही मैं मतलब जितने भी सारे मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स जितने भी मेरे फैंस हैं, तो सब भाई लोग को जो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सब भाई लोग को एडवांस में ईद मुबारक हो। तो ये ब्रेक कैसा लगा भाई लोग, आप लोगों ने देखा होगा ये ब्रेक कैसा लगा। अगर अच्छे से नहीं पता तो फिर से थोड़ा सा बैक करके देख सकते हो, अच्छे से नहीं दिखा तो। और ब्रेक भाई लोग आप लोग को पसंद आ रहा है, गेम प्ले मेरा पसंद आ रहा है, वीडियो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखना, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, और वीडियो को जो है आप लोग को लाइक कर देना, ठीक है? इतना मेहनत से आप लोग को वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना है। यहाँ पर ये शॉट देखो गाइज, ये कनेक्शन शॉट, ये रहा कनेक्शन। और यहाँ पे अभी आगे जितने भी खेलेंगे हम लोग, इस तरीके से खेलना पड़ेगा। देखो बीच में जो कोई हमारा फंसा हुआ था तो उसको मैंने किस तरीके से रिलीज किया, तो बिल्कुल आप लोग को भी इसी तरीके से खेलना है गाइज। सो चलो गाइज इस बोर्ड को हम लोग फटाफट से फिनिश कर देते हैं और चलते हैं अपनी अनलॉकिंग की तरफ। तो एक्शन सीजन के कैरम प्रीमियम पास अभी हम लोग अनलॉक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग मेरा ये मैक्स हो चुका है, ठीक है? तो कैरम पास मैं मैक्स कर चुका हूँ और अभी हम लोग इसे अनलॉकिंग करेंगे। तो अनलॉक करने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पे अपना स्ट्राइकर्स वगैरह दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखते हैं टोटल 7 स्ट्राइकर्स अभी अनलॉक होने के बाकी है, ठीक है? तो इनमें से कोई एक होगा, तो कौन सा स्ट्राइकर होगा ये तो नहीं बताऊँगा, लेकिन इनमें से कोई एक स्ट्राइकर ओपन होगा। यहाँ पर अपना पक्स एक पक भी बाकी है अनलॉक होने को, तो 7 स्ट्राइकर में से एक लीजेंडरी स्ट्राइकर अनलॉक होने वाला है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और कौन सा होगा और जो अनलॉक होगा उससे मैं आप लोग को गेम प्ले भी करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे फ्री पास जो था मैंने आप लोग को नहीं दिखाया, ठीक है? क्योंकि फ्री पास में कुछ खास मिलता नहीं है। और ये प्रीमियम पास का भी मैं आप लोग को सिर्फ चलो लीजेंडरी ये जो बॉक्स है ग्रैंड मास्टर बॉक्स यही ओपन करके दिखाता हूँ, क्योंकि लीजेंडरी स्ट्राइकर इसमें ही मिलता है। तो ये अपना फर्स्ट बॉक्स था और यार यहाँ पर सेरिगिटो थोड़ा सा ओपन हुआ, चलो कोई नहीं, अभी 4 बचे हुए हैं, आप लोग को पता ही है 5 मिलते। तो ये सेकेंड वाला बॉक्स देखते ग्रैंड मास्टर चेस्ट, ये रहा भाई नॉर्थ, तो पहले से ही था अपने पास। तो यहाँ पे मैं आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ये ग्रैंड मास्टर चेस्ट ही दिखा रहा हूँ, ठीक है? ताकि वीडियो बोरिंग ना हो और लंबा ना हो। और जो स्ट्राइकर है इसी में मिलता है, बाकी में तो इमोजी वगैरह है। तो चलो भाई ये थर्ड बॉक्स पे देखते हैं क्या मिल सकता है। और भाई यहाँ पे फाइनली गाइज ये देखो गाइज फाइनली शील्ड जो है अपना ओपन हो चुका है। तो यही अभी मजा आएगा ना भिड़ो, शील्ड स्ट्राइकर से आप लोग का आगे गेम प्ले भी दिखाऊंगा। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे और 2 लीजेंडरी बॉक्स बचे हुए अपने ग्रैंड मास्टर चेस्ट, यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या मिलता है। ये दिया भाई कुछ काम का नहीं, ये तो ये ना दिया होता, ये दिया को ना दिया होता तो और अच्छा रहता। कैसा लगा मेरा मजाक? चलो यहाँ पे ये लास्ट बॉक्स है और यहाँ पे देसी था थोड़ा सा, चलो अनलॉक हुआ और ये अवतार ले लिया। चलो ये फिनिश हो चुका है अनलॉकिंग, तो छोटा सा बनाया क्योंकि यहाँ पे बोरिंग हो जाता है ज़्यादा लंबा हो तो। और ये यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मुझे शील्ड स्ट्राइकर मिल चुका है, यहाँ पे न्यू बता रहा है। तो एक स्ट्राइकर चलो फाइनली मिल ही गया, बहुत टाइम बाद मिला है भाई लोग, बहुत पासिस 3-4 पासिस के बाद कोई नया एक लीजेंडरी स्ट्राइकर हमको मिला है। तो चलो अभी पहले यहाँ पे फ्रेम वगैरह देख ले आप लोग, देख लो ठीक है? फ्रेम वगैरह लगा लेते हैं अपने प्रोफाइल पे। और यहाँ पे लकी बॉक्स भी मिलता है, सॉरी लकी शॉट भी मिलता है। तो लकी शॉट 4-5 लकी शॉट मिलता है, उनमें से 2 जो है वो गोल्डन लकी शॉट हो, मतलब 1500 जेम्स तक मिल सकता है, ठीक है? तो ये तो 75 वाला है सिर्फ लकी शॉट है, एक होता है लकी शॉट और दूसरा होता है गोल्डन लकी शॉट। लकी शॉट में सिर्फ 75 तक मिल सकते हैं और गोल्डन लकी शॉट में हम लोग को मिल सकते हैं 1500 तक। तो चलो ये और एक लकी शॉट है, इसको भी मार लेते हैं। अरे यार चलो 25 मिले, कोई नहीं, मैं जितना हो सके बीच येलो जोन देख रहे हो सेंटर में, तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम जेम्स मिलता है, तो वहीं पर ट्राई कर रहा हूँ। ये 1500 वाला है, देखो गाइज
15 अगर रेड जोन में गया तो सिर्फ 500, अरे यार सिर्फ 500 मिला यहाँ पे। चलो कोई नहीं, एक लास्ट बचा हुआ है, इसमें ट्राई करेंगे, ठीक है। इसमें 1500 लेने की ट्राई करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइज, क्योंकि यहाँ पे अगर मिस हुआ तो सिर्फ 200 मिलेंगे। तो एकदम जो येलो जोन देख रहे हो गाइज, उसमें हमें पॉट करना है, ठीक है, उसमें लेकर जाना है। तो और ये गाइज फाइनली देखो यार, कितना परफेक्ट था ये, परफेक्ट शॉट था ना। इसके लिए एक लाइक बनता है, अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर लो गाइज, कर लो प्लीज़, कर देना, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप लोग को गेम प्ले दिखाऊंगा, अभी जो स्ट्राइकर अनलॉक हुआ अपना सेल्ड स्ट्राइकर, तो उससे आप लोग को मैं गेम प्ले दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट गेम प्ले था सेल्ड स्ट्राइकर के साथ में, और यहाँ पे ओपोनेंट बाइक का ब्रेक था, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। और यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे मैं 21 शॉट ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल से पॉट होती है, तो कैसे खेलना है इस टाइम पे आप लोग ध्यान से देख लो। वहाँ पे ब्लॉक था तो काफ़ी मुश्किल से गाइज, काफ़ी मुश्किल से उसको टॉच हो गए, फाइनली चली गई। और यहाँ पे हम लोग फंस चुके हैं पूरी तरीके से, बहुत बुरा हाल है गाइज। तो इस टाइम पे कैसे खेले, यहाँ पे देखो एक कनेक्शन तो है, लेकिन चारों तरफ चारों पॉकेट में सिर्फ ब्लॉक है भाई ओपोनेंट की कोई नहीं, तो ब्लॉक को हटा के खेलना पड़ेगा हमें। तो कैसे हटाए, ब्लॉक को एवॉइड ऐसे करते हैं गाइज, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लॉक को हटा के कनेक्शन बना के मैंने अपने पक्स को थोड़ा ओपन कर लिया, स्पेस जो है थोड़ा स्पेस बना लिया बोर्ड पे, और ऐसे ही खेलेंगे हम आगे भी। और एक लास्ट में आपको सिंगापुर गेम प्ले दिखाऊंगा, सिंगापुर बोर्ड पे शील्ड स्ट्राइकर जो अभी अभी ओपन हुआ अपना, उसी के साथ में, ठीक है। तो गाइज वीडियो में तो ज़्यादा कुछ इतना ही था, मतलब बहुत टाइम हो गया था, मैंने वॉइस ओवर वाली लॉन्ग वीडियो नहीं डाली थी, शॉर्ट वीडियो मतलब 4-5 मिनट्स का भी डाल रहा था, लेकिन उसमें वॉइस ओवर नहीं था पूरा, और इसमें वॉइस ओवर किया हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और क्या कुछ सजेशन देना है, कह रहे हैं पूल गेम से रिलेटेड तो भी दे सकते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो गाइज, ठीक है। कोइंस वगैरह लेना है तो बाई करना है मेरे स्टोर से तो मुझे बोल सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, और मेरे कम्युनिटी पर जाके देखोगे तो वहाँ पर पोस्ट वगैरह मिलेंगे आपको, कम्युनिटी पोस्ट, तो वहाँ से चेक कर सकते हो। ये लास्ट सिंगापुर गेम प्ले है गाइज, तो ज़्यादा कुछ बताने को नहीं है गाइज। इंस्टाग्राम पे मेक श्योर टू फॉलो मी, इंस्टाग्राम में वहाँ पे कनेक्ट हो जाओ, वहाँ पे आप लोग मैसेज करोगे तो मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और फेसबुक पे भाई लोग, आप लोग मैसेंजर पे, फेसबुक मैसेंजर पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को, तो वहाँ पे शायद मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस है, और इंस्टाग्राम में भी बहुत है, लेकिन वहाँ पे मैं जितना हो सके उतना रिप्लाई करने की ट्राई करता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे कैसे खेले भाई, अभी यहाँ पे देखो फंस गए हम लोग, तो इसको कट मारेंगे टॉप राइट वाली पॉकेट में पहले तो। और यहाँ देखो यार, इसको कट मारने से क्या हुआ, अपना एक जो ब्लॉक था वो भी ओपन हुआ क्वीन के लिए, तो अभी क्वीन खेलेंगे यहाँ ध्यान से, तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा भाई लोग इसी टाइम पर। सो गाइज यहाँ पर सारा अपना पक्स जो है क्लियर हो चुका है, तो वी कैन ईजिली फिनिश दिस बोर्ड। एंड इस वीडियो में इतना ही था, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्लेइंग, कीप रॉकिंग स्टेडियम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।